बॉलीवुड के मोस्ट अवेटेड हैप्पी कपल दीपवीर यानी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी को लेकर इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में खूब चर्चा बनी हुई है। पहले इनकी शादी अवेटेड थी और शादी की अनाउंसमेंट के बाद इनकी वेडिंग डेस्टिनेशन जानने का सबको है इंतजार, और अब दोनों की शादी की डेस्टिनेशन को लेकर भी नई खबर सामने आई है। पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों शादी इटली के लेक कोमो में करेंगे, और हाल ही में ये बात कंफर्म भी हो गई। दोनों 14 और 15 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। दोनों ने ये खास दिन इसलिए चुना है क्योंकि दोनों चाहते हैं कि दोनों के पारिवारिक और पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल तरीके से शादी संपन्न हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दो दिन इसलिए चुने गए हैं क्योंकि एक दिन दोनों की शादी सिंधी यानी रणवीर सिंह के पारंपरिक अंदाज में होगी, तो दूसरे दिन दीपिका पादुकोण के ट्रेडिशंस के अनुसार। दोनों ने ही अपने पूरे अटायर्स और कॉस्ट्यूम्स की प्लानिंग भी उसी के अकॉर्डिंग कर रखी है। बता दें कि दीपिका पादुकोण ने पद्मावत की रिलीज के बाद से अब तक कोई फिल्म में काम नहीं किया है। फिलहाल उनके पास अभी कोई फिल्म नहीं है। उधर रणवीर सिंह लगातार शूटिंग कर रहे हैं। आलिया भट्ट के साथ गली बॉय पूरा करने के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी की सिम्बा की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जो इस साल दिसंबर तक रिलीज होगी।